नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। हेमा मालिनी और राजेश खन्ना बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो ऐसे नाम जिनकी दुनिया दीवानी है। जहां राजेश खन्ना के चार्म पर लड़कियां मरती थीं, तो वहीं हेमा मालिनी को आज भी ड्रीम गर्ल कहा जाता है। इन दोनों स्टार्स ने एक जमाने में अपनी एक्टिंग का खूब जलवा बिखेरा था, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने एक समय में फैंस के दिलों पर राज करने के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी राज किया है। लेकिन क्या राजेश खन्ना हेमा मालिनी को घमंडी समझते थे? चलिए आज हम बताते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना अक्सर सेट पर देर से आते थे। इस बात से कई डायरेक्टर और राजेश खन्ना के साथ काम करने वाले स्टार्स भी काफी परेशान रहते थे। राजेश खन्ना के सेट पर देर से आने की वजह से हेमा मालिनी भी काफी परेशान रहती थी। दरअसल ये वाक्या हेमा की राजेश खन्ना के साथ की गई पहली फिल्म अंदाज का है। एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना के साथ किए काम की यादें ताजा करते हुए बताया था कि राजेश खन्ना फिल्म अंदाज के सेट पर देर से आते थे। कई बार पूरी यूनिट 8 से 10 घंटे उनका इंतजार करती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनकी कंप्लेंट कर सके। हेमा ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भले ही उनके चार्म की वजह से लड़कियां उन पर जान छिड़कती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी एक को स्टार के नाते ज्यादा भाव नहीं दिया। मैं उनकी देर से आने की आदत से खफा थी, शायद इसी वजह से राजेश खन्ना मुझे घमंडी भी समझते थे, लेकिन असल में वो खुद में ही खोए रहते थे। आपको जिंदगी एक सफर है सुहाना सुपरहिट गाना तो याद ही होगा दोस्तों। ये गाना साल 1971 में रिलीज हुई हिट फिल्म अंदाज का है। इस गाने को हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। कम ही लोग जानते हैं कि अंदाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना की जोड़ी को पहली बार देखा गया था। यह जोड़ी काफी हिट साबित हुई थी। यह जोड़ी कितनी हिट साबित हुई, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने एक साथ 13 फिल्मों में काम किया था। हेमा और राजेश खन्ना ने साल 1974 में रिलीज हुई प्रेम नगर समेत कई हिट फिल्में साथ में की हैं। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।